आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, आज के लिए मैनेज कर लो, ओके। तो चलो आज करेंगे 126 और 127 पर जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने पिछली वाली वीडियो में करा दिए हैं, तो यार थोड़ी सी मैंने कोशिश की क्वालिटी को इनक्रीज़ करने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी फ़िलहाल आज काम चला लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या रहा हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, देखो, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, ठीक है, समझे कुछ। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, अगर एक्शन और रिएक्शन हमेशा अगर इक्वल होते हैं तो एक्सप्लेन करो कि जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा गाड़ी जो होती है पीछे, ठीक है, घोड़े के पीछे जो गाड़ी लगी हुई होती है जिसे हम कार्ट कहते हैं, तो घोड़ा उस कार्ट को कैसे खींच पाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत से बच्चे कह देंगे कि सर जो गाड़ी है, देखो उनके मन में क्या सवाल रहेगा, जो गाड़ी होती है, ठीक है, उस पर फोर्स कौन लगाएगा, घोड़ा, ठीक है, गाड़ी पर फोर्स कौन लगाएगा, घोड़ा लगाएगा, बोलो ठीक है, और घोड़े पर उतनी ही फोर्स कौन लगाएगी, गाड़ी लगाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स है ना। अरे थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जितनी फोर्स घोड़ा लगाएगा उतनी ही अपोजिट की फोर्स कौन लगा देगा, वो गाड़ी लगा देगी उस पर, बोलो ऐसा ही तो है। और दोनों अब क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, दोनों कैंसिल हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो आ जाएगी, तो गाड़ी मूव नहीं करेगी, बच्चे ऐसे सोचेंगे। लेकिन मैंने तुम्हें बताया है कि भैया एक्शन एंड रिएक्शन जो हमारा थर्ड लॉ होता है उसमें जो फोर्सेस लगती है ना, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगती हैं जिसकी वजह से दोनों कैंसिल नहीं होती हैं। बात आ रही समझ में, मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाया भी है, ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें समझाया भी है। उस क्वेश्चन का शायद मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगा, उस क्वेश्चन को पहले देख लेना अगर ये अच्छे से समझना है तो, ठीक है, अच्छे से समझना है तो। कहने का मतलब ये है कि फोर्सेस कैंसिल कब होती हैं, जब एक ही बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे। जैसे कि देखो ये, अब इस पर मैं 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लगा दूँ, 10 न्यूटन की यहाँ से लगा दूँ, ठीक है, एक ही बॉडी पर देखो सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन की यहाँ से लगा दूँ, 10 न्यूटन की यहाँ से लगा दूँ, तो ये हलेगा नहीं क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, है ना, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब किसी एक बॉडी में लगती है ना, तो वहाँ पर होती है फोर्सेस कैंसिल, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो आ जाती है और क्या हो जाता है, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होती, ठीक है। लेकिन इस केस में घोड़े गाड़ी के केस में क्या है कि मान के चलो ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, और ये घोड़ा है, ठीक है, तो ये जो घोड़ा है ये आगे को खींचेगा ऐसे, है ना, ये आगे खींचेगा, है ना, आगे खींचेगा, तो इसने फोर्स लगाई इस पे, ठीक है, इस बॉडी पर आगे की तरफ फोर्स लग गई, इस घोड़े ने लगाई। अब इस घोड़े पर एक फोर्स और लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जो ये लगाएगा, ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो इस पर फोर्स लग रही है, वही फोर्स इस पे लग रही है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट तो हैं। देखो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगी क्योंकि इस बॉडी पर लगने वाली केवल एक ही फोर्स है जो घोड़ा लगा रहा है, और कोई फोर्स नहीं है, और इस बॉडी पर लगने वाली केवल एक ही फोर्स है जो ये गाड़ी लगा रही है, ठीक है। और थर्ड लॉ में फोर्सेस कैंसिल नहीं होती हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को देख लेना पहले, अच्छे समझना है तो, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो अब गाड़ी क्या करती है, गाड़ी आगे की तरफ मूव कर जाती है। अब वो मूव कैसे करती है, अब वो बताता हूँ मूव कैसे करती है। देखो घोड़ा क्या करता है, घोड़े के जो पैर होते हैं वो किस पर फोर्स लगाता है, धरती को पीछे ढकेलता है, बोलो ऐसा ही तो होता है। घोड़ा जो है वो धरती को पीछे ढकेलता है कि नहीं, है ना। जैसे ही घोड़ा, देखो यहाँ पर होता है, देखो जैसे धरती है, ठीक है, ये हमारी पीछे गाड़ी है ना,
ये हमारी पीछे गाड़ी है। और घोड़ा कैसे बनाओ यार, घोड़ा तो बनाना मुझे नहीं आ रहा, चलो इंसान बना देता हूँ। ऐसे करके ये इसे खींचना चाहता है ना, इंसान अभी इंसान समझ लो ठीक है, ऐसे पकड़ के जैसे खींचना चाहे ठीक है। तो अभी क्या करेगा, अभी क्या करेगा, देखो इस धरती, देखो जब ये आगे खींचेगा ऐसे तो धरती को पीछे ढकेलना चाहेगा कि नहीं, धरती को पीछे ढकेलेगा नहीं। तो अब इसने क्या किया, इसने धरती को पीछे फोर्स लगाई ठीक है, इसने धरती पर क्या किया, पीछे फोर्स लगाई धरती पर, इसने पीछे की तरफ फोर्स लगाई। अब क्या होगा, अब धरती क्या करेगी, धरती भी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगी उतने ही मैग्नीट्यूड की, मान के चलो इसने 10 न्यूटन की फोर्स धरती पर लगा दी, अरे धरती को ही ढकेलेगा ना पीछे, बोलो ठीक है कि नहीं, है ना, ये धरती को पीछे ढकेलेगा। जैसे ही ढकेलेगा किस फोर्स से, मान के चलो 10 न्यूटन की फोर्स से इसने ढकेला, अब धरती भी इस पर फोर्स लगाएगी आगे की तरफ सेम मैग्नीट्यूड से, है ना, थर्ड लॉ के हिसाब से। अच्छा लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि धरती भी पीछे जाएगी, देखो ये बंदा तो आगे चला जाएगा ठीक है, लेकिन धरती पीछे नहीं जाएगी। धरती पीछे क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि धरती का मास ज़्यादा, मैंने कई बार बताया जिसका मास ज़्यादा होता है वो बॉडी मूव नहीं कर पाती, जिसका मास कम होता है वो वही बॉडी मूव करती है, जबकि फोर्स इस पर भी लगी है इस पर भी लगी है तो दोनों मूव करने चाहिए, लेकिन मास जिसका कम होगा वही बस मूव कर पाता है ठीक है। अब धरती का मास तो बहुत ज़्यादा है तो धरती तो मूव करेगी नहीं, है ना, ये बात मैंने डीपली में समझाई है, हर एक वीडियो देखा करो ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ की वीडियो देखना, न्यूटन का थर्ड लॉ, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है ठीक है। वो नाव वगैरह होती है ना, उसमें नाव होती है तो छलांग मारता है ऐसे बंदा, ऐसे इस तरह से मैंने समझाया है ठीक है। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, नहीं तो उसका फ़ोटो भी लगा दूंगा यहाँ पर, है ना, और एंड स्क्रीन में भी वीडियो लगा दूंगा ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, थर्ड लॉ की वीडियो देखना ठीक है, तब अच्छे समझ में आएगा ठीक है। तो हुआ क्या, ये पीछे धरती पर 10 न्यूटन की लगाएगा ऐसा ठीक है, और धरती इस पर 10 न्यूटन का लगाएगी ठीक है, लेकिन ये आगे चला जाएगा लेकिन धरती पीछे नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि धरती का मास ज़्यादा है। तो हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, धरती ने दोनों ही, देखो बॉडी आगे की तरफ मूव क्यों नहीं कर पाई, देखो बॉडी तो आगे की तरफ मूव कर गई, क्यों कर गई, क्योंकि जितनी फोर्सेस ने इस पर लगाई उतनी ही फोर्सेस ने इस पर लगाई, मतलब धरती ने जो फोर्स लगाई है उस फोर्स की वजह से आगे जा पा रहा है, लेकिन इसने जो फोर्स इस पर लगाई थी, इसने जो उस पर फोर्स लगाई थी उस फोर्स की वजह से धरती पीछे क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि धरती का मास ज़्यादा है। तो होता क्या है, जितनी फोर्स इसने लगाई थी ना इस पर 10 न्यूटन जो फोर्स इसने लगाई थी, उस फोर्स का असर भी तो देखना चाहिए भाई, अगर ये धरती पीछे नहीं गई तो जो इसने इस पर फोर्स लगाई थी उस फोर्स का असर कहाँ चला गया। तो उस फोर्स का असर पता है क्या होता है, तो मान के जो इसने 10 न्यूटन की इस पर लगाई तो धरती तो पीछे नहीं गई, अब धरती भी 10 न्यूटन का लगाएगी, तो धरती पता है 10 न्यूटन का फोर्स तो इस पर लगाएगी, प्लस इसने जो फोर्स लगाई थी उस फोर्स को भी ऐड करके इसी पे लगा देगी, यानी 10+10 20 न्यूटन की फोर्स से ही आगे जाएगा ठीक है, 20 न्यूटन की फोर्स से आगे जाएगा ठीक है। ये बातें मैंने थर्ड लॉ जब मैंने समझाया था ना, जब अच्छी तरह से समझाया तो उसमें देख लेना ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है, देख लो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है बेटा हॉर्स पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द ग्राउंड ऑल्सो पुश द हॉर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ठीक है, ड्यू टू द लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट द मास ऑफ द हॉर्स इज स्मॉलर देन द अर्थ विच कॉजेस ही मूव विद द कार्ट ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा, जब देखो मैंने क्या लिखा है, जो मैंने आपको बातें समझाई बस वही चीज़ मैंने लिख दी है ठीक है। जब हॉर्स ग्राउंड को पुश करता है ना पीछे की डायरेक्शन में, देखो मैंने हॉर्स पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब हॉर्स पीछे की डायरेक्शन में अर्थ को पुश करता है ना ठीक है, तो ग्राउंड भी पुश करता है हॉर्स को अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ ठीक है। जितनी फोर्स हॉर्स ने लगाई उतनी ही फोर्स ग्राउंड लगाता है ठीक है। ऐसा किसकी वजह से होता है, क्योंकि थर्ड लॉ लग रहा है ठीक है, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये फुल स्टॉप नहीं है ठीक है, ध्यान रखना ठीक है। लेकिन बट द मास ऑफ द हॉर्स स्मॉलर देन द अर्थ विच कॉजेस ही मूव्स विद द कार्ट, अब क्योंकि फोर्स दोनों ने एक दूसरे पर लगाई है, लेकिन मास किसका कम है, बट द मास ऑफ द हॉर्स, हॉर्स का मास क्या है, स्मॉलर है अर्थ से, जिसकी वजह से वो मूव कर जाता है और कार्ट को आगे लेकर जाता है ठीक है, अपने टांगे को आगे लेकर जाता है ठीक है, दोनों साथ साथ आगे की तरफ मूव कर जाता है ठीक है। आई बात समझ, अरे बस समझ, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी थर्ड लॉ पर ही बेस्ड है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होश विच इजेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। देखो बेटा आप लोगों ने वो देखा पाइप, जो पाइप देखा, पाइप देखो जब भी हम लोग जैसे गार्डन वगैरह में पानी लगाते हैं ना, तो जो मैन होता है देखो यार अपने आप को ही समझ लो, ठीक है। जब भी हम लोग जैसे पानी वगैरह लगाते हैं तो जब अचानक से जो पाइप में से पानी निकलता है तो पानी ऐसे जो पाइप है वो इधर उधर होता है कि नहीं, भागता है कि नहीं। हाई वेलोसिटी से जब पानी निकलता है तो पाइप कैसे करता है, ऐसे सांप की तरह लहराता है ना, है ना। तो वही वो पूछ रहा है कि ऐसा होता क्यों है, एक्सप्लेन करो क्यों डिफ़िकल्ट होता है फायरमैन के लिए। फायरमैन उसी को बोला गया है जो पाइप को पकड़ता है। होश मतलब देखो, होश मतलब वही नली या फिर कोई पाइप, ठीक है। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होश, मतलब किसी फायरमैन के लिए किसी पाइप को पकड़ना क्यों मुश्किल होता है जब उस पाइप में से बहुत हाई वेलोसिटी में वाटर निकलता है, ठीक है। पाइप सांप की तरह क्यों लहराता है, ठीक है। फायरमैन को उसे पकड़ना मुश्किल क्यों होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं जो वाटर आ रहा होगा पाइप के अंदर से, जो वाटर आ रहा होगा किसी न किसी फोर्स से ही तो आ रहा होगा, बोलो। अरे उस पर कोई ना कोई फोर्स ही तो लग रही होगी। तो जब वाटर किसी न किसी फोर्स से आया है ना, वाटर किसी न किसी फोर्स से बाहर निकलेगा, तो जिस फोर्स से वो निकला है, तो जो वाटर जो जिस फोर्स से निकला है तो उतनी ही फोर्स क्या पाइप पर नहीं लगेगी, बोलो। जो फोर्स किस पे लगी है, जो फोर्स हाई वेलोसिटी में जो वाटर हमारा पाइप में से आ रहा है, तो जितनी फोर्स से वो आ रहा है क्या उतनी ही फोर्स उस पाइप पर पीछे पलट के नहीं लगेगी, बोलो। थर्ड लॉ के हिसाब से मान के चलो 50 न्यूटन की फोर्स से अंदर से पानी निकल के आ रहा है, तो वही 50 न्यूटन की फोर्स पलट के पीछे किस पर लगेगी, पाइप पर, है ना, पाइप पर लगेगी ना। तो उसी फोर्स की वजह से, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, देखो जब पाइप में से पानी निकल के आया तो उस वाली फोर्स को हमने क्या कहा, एक्शन वाली फोर्स। तो उसी फोर्स का रिएक्शन किस पर पड़ेगा, पाइप पर। और इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से वो पाइप क्या करता है, नाच जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फायरमैन उसे नहीं पकड़ पाता, ठीक है। बात आई समझ में। ये भी थर्ड लॉ क्वेश्चन, ठीक है, चलो ऐसे भी लिख लेते हैं। देखो ऐसे कैसे लिखोगे, द रिएक्शन, द रिएक्शन प्रोवाइडेड, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, रिएक्शन फोर्स है, द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द इजेक्टेड वाटर फ्रॉम द होश इज एग्जर्टेड ऑन इट, ठीक है, एग्जर्टेड ऑन इट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट्स वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड अ होश फॉर अ फायरमैन।
ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या लिखा, जो वाटर के द्वारा, देखो जब वाटर निकलता, देखो द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द इजेक्टेड वाटर फ्रॉम द होस इज एक्सर्टेड ऑन इट, जो रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक्शन तो निकल गया, ठीक है, तो जो वाटर होता है ना तो वो रिएक्ट भी तो करेगा, वो रिएक्शन वाली फोर्स भी तो लगाएगा। तो जो रिएक्शन वाली फोर्स होती है जो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, कौन देता है उस रिएक्शन फोर्स को, इजेक्टेड वाटर। ठीक है, पाइप में से निकलने वाला इजेक्टेड वाटर, ठीक है, तो वो फोर्स किस पर लगती है, इज एग्जर्टेड ऑन इट, किस पर, पाइप पर ही, ठीक है, पाइप पर ही, ठीक है, नली पर ही, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, इसीलिए फायरमैन के लिए उस होस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। देखो स्टार्टिंग से अगर जो बच्चा चैप्टर पढ़ता है ना, समझता है, ठीक है, दिमाग लगाता है, उसके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो बेटा देखो प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें समझ में आती है, वैसे नहीं आती है। ठीक है, दिमाग लगाओगे, समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे तभी चीज़ें समझ में आती है, ऐसे नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं चैप्टर पढ़ लिया और बस हमें आ गया, बस काम खत्म, न्यूमेरिकल कर लिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दिमाग घुमा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब बाकी तो न्यूमेरिकल रह गए हैं, न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। ये तो न्यूमेरिकल है। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास, देखो एक राइफल है, ठीक है, कितने किलो की राइफल है, राइफल है 4 किलो की। ठीक है, उसके अंदर गोली है, ठीक है, राइफल के अंदर क्या है, बुलेट है, वो कितने किलो की है, वो कितने ग्राम की, 50 ग्राम की। ठीक है, तो उसे फायर किया गया बुलेट को फायर किया गया 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, तो हमें रिकॉइलिंग वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बेस है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, दो चीज़ें हैं। देखो M1 किसको मान लें, 4 किलो मान लें, 4 किलो M1। अब U1 किसे माना है, देखो M1 हमने किसे माना है, गन को माना है। ठीक है, M1 हमने किसको माना है, गन को माना है। ठीक है, तो 4 किलो की गन है, यानी कि राइफल 4 किलो की गन है, राइफल। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ, इसको M1 माना है, इस बुलेट को हम M2 मानेंगे, ऐसी इसकी वेलोसिटी को U1 मानेंगे और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को भी U1 मानेंगे। ठीक है, अब देखो M1 कितना है, 4 किलो है, और जो अब देखो जब इनिशियली जब गोली चली नहीं तब तो U1 की जो 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 राइफल थी वो रेस्ट में ही थी ना, है ना, राइफल थी जो रेस्ट में थी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, अब M2 यानी कि दूसरी वाली बॉडी का मास, दूसरी वाली बॉडी क्या है, बुलेट कितनी है, 50 ग्राम की है, इसे हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसका U2 यानी कि U2 मतलब बुलेट की क्या, बुलेट की इनिशियल स्पीड। अब देखो इनिशियल की कहानी चल रही है तो जब तक बंदूक चली नहीं है तो उसकी वेलोसिटी भी तो 0 होगी। अब देखो V1 मतलब कि उस गन की फाइनल वेलोसिटी, ही हमें निकालनी है, और V2 मतलब उस बुलेट की वेलोसिटी। देखो जैसी बंदूक चलाई ना तो फाइनल कहानी हो गई कि नहीं, सारी कॉलिशन हो गया कि नहीं, बोलो कॉलिशन हो गया ना, तो जैसी बुलेट चली तो वो किसी न किसी वेलोसिटी से ही तो चली होगी, बुलेट किसी न किसी वेलोसिटी से ही तो चली होगी। ठीक है, जिस देखो दोनों मूव करेंगे, देखो बुलेट भी आगे की तरफ मूव करेगी और गन भी पीछे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो गन की जो फाइनल वेलोसिटी वो तो हमें निकालनी है कि भैया किस वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ मूव कर गई, और जिस फाइनल वेलोसिटी से बॉडी मूव, जो बुलेट मूव करी है वो कितनी वेलोसिटी दी है हमें, 35 मीटर पर सेकंड। बस रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकालनी है, राइफल किस वेलोसिटी से मूव करेगी आगे, उसे निकाल लो। कई बार किए तुम लोगों ने ये क्वेश्चन, लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, क्या होता है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, बोलो सही है, वैल्यूज पुट करो,
चार, ये तो किलो का किलो ये ठीक है, इनटू में यू वन जीरो है प्लस एम टू कितना है 50 ग्राम है, इसे हम चेंज कर लेंगे, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्या करेंगे हज़ार से डिवाइड कर देंगे ठीक है। यू टू भी जीरो है तो देखो यहाँ पर तो पूरी कहानी जीरो है आ जाएगी यार, देखो फोर का मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो जीरो आ जाएगा, प्लस इस पूरे का मल्टीप्लाई जीरो से करोगे जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो ठीक है, और जीरो प्लस जीरो जीरो होता है। अब यहाँ पर कर दो, एम वन कितना है वही है, वी वन कितना है मतलब कि वी वन तो देखो मुझे निकालना ही है, वी वन फोर है ठीक है, यू मत समझना, प्लस दूसरी वाली का मास 50 ग्राम है, हज़ार से डिवाइड की हुई है क्योंकि किलोग्राम में चेंज करना है, और किस वेलोसिटी से गया है वो 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ठीक है। देखो ये सारी कहानी तो पूरी जीरो हो गई है ना, जीरो हो गई ना पूरी कहानी, मैं नहीं लिखूँगा भाई, ये पूरी कहानी तो हो गई जीरो। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4v1 प्लस, अब देखो ऐसे ऐसे काटो, देखो काटो किससे कट रहा है, काट दो 5 के टेबल से 5 7 जा है ना, 5 7 जा 35, और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 5 5 5 2 जा, ये 200 बार चला जाएगा ठीक है, देख लेना सही सही काटा है ना। अब देखो अब ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ये इस जीरो से ये जीरो गया, अब इसे ये काट दो, ये देखो 1 जा 4 जा, बोलो आई बात समझे, तो देखो ऊपर कितना बचा, 7/4 7/4, बोलो ठीक है। अब यहाँ पर है ज़ीरो इज इक्वल्स टू, अब एक काम करो इसे यहाँ पर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, बोलो माइनस का हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर कितना बचा 4v1 है ना, चल फिर उसके बाद में ये 4v1 हो गया, क्या आया था हमारा, हमारा आया था, हमारा आया था माइनस का 7/4 इज इक्वल्स टू 4v1, ये तो आया। अब निकाल लो v1 की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे यहाँ पर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7/4 इंटू में 4v1 ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर देना, कितना आएगा, देखो v1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 7/4 4 4 16, इसको डिवाइड कर देना, आंसर ले आना ठीक है, डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ ठीक है, डिवाइड कर लेना आंसर ले आना ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और रह गया, अब ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है ना ये 127 पेज नंबर पे है ठीक है, 127 पेज नंबर पे है, जो 1 2 3 क्वेश्चन अभी अभी जस्ट मैंने कराए हैं वो 126 पेज नंबर पे थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 127 पेज नंबर पे ठीक है, एनसीईआरटी के ठीक है। चलो इसे भी कर लेते हैं, इसे भी कर ही लेते हैं, ये भी सिंपल है यार, सब सिंपल है, नाइन्थ में तो सिंपल ही होता है। न्यूमेरिकल ही है, देखो दो ऑब्जेक्ट है बेटा, दो बॉडीज हैं ठीक है, एक 100 ग्राम की है एक 200 ग्राम की है, और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये बॉडी बेटा एक है, ये बॉडी दो है, इसे मैंने M1 बोला, इसे मैंने M2 बोला ठीक है, और इसकी वेलोसिटी U1 इसकी वेलोसिटी U2, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में ओके, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और कितनी कितनी वेलोसिटी से ये U1 है ना जो पहली वाली वेलोसिटी से, ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई, वो बॉडी चल रही है, इनिशियली चल रही है ठीक है, चल रही है ना, बंदूक वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों होती है, क्योंकि चली ही नहीं है तो कॉलिजन हुआ ही नहीं है, हालांकि इसमें भी कॉलिजन नहीं हुआ, आगे जाके इसमें भी कॉलिजन होगा लेकिन फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी उसमें, तो देखो
इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है या नहीं, ये जब पता चलता है कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं। जब कॉलिजन नहीं हुआ था, कॉलिजन से पहले बंदूक और गोली दोनों ही रेस्ट पे थी, इसीलिए दोनों की वेलोसिटी U1 और U2 ज़ीरो आई। लेकिन यहाँ पर ये कॉलिजन से पहले भी मूव कर रही हैं, बात आ रही समझ में, कॉलिजन से पहले ही मूव कर रही हैं, तो इनकी वेलोसिटी ज़ीरो थोड़ी ना होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इनकी है, और बाद में जब ये टकरा जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। ये किस वेलोसिटी से चल रही है? U2 1 मीटर पर सेकंड से। इसका मास कितना है बेटा? देखो इस वाली का मास कितना है, M1 का कितना है? 100 ग्राम, और इसका 200 ग्राम। सेम लाइन में ऐसे करके ये आगे जा रही है, ठीक है, चलो ठीक है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कॉलिजन। अब देखो अब इनमें कॉलिजन हो गया, ये लो अब हो गया कॉलिजन, कॉलिजन होकर इन दोनों में, और ये अब ये दूर दूर को भागेंगी, M1 M2। अब इनकी वेलोसिटी V1 एंड V2, ठीक है। ये 200 ग्राम था, मास तो चेंज होने से रहा। अब क्या कह रहा है? दे कोलाइड, ठीक है, ये दोनों कोलाइड हो गए और दूर दूर भाग भी गए, ठीक है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कॉलिजन द फर्स्ट मूव्स एट वेलोसिटी ऑफ 1.67। देखो ये फर्स्ट वाली थी ना, ये किस वेलोसिटी से भागी, ये किस वेलोसिटी से भागी बेटा? ये भागी आपकी वेलोसिटी, ये आपकी भागी वेलोसिटी 1.67 की वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये किस वेलोसिटी से भागेगी, इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो भाई फाइंड करते हैं। ओके चलो कर लेते हैं। देखो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख ही दी है, ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। वैसे तुम खुद भी कर सकते हो ना, लेकिन फिर तुम कहोगे अरे सर मानोगे तो है नहीं तुम। क्या होता है सूत्र, हिंदी मीडियम वाले कहते हैं सूत्र। सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए करवाता हूँ ताकि तुम अपना क्वेश्चन मैच कर सको। अब पहले खुद किया करो, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करवाता कि तुम पे नहीं आ रहा, तो देखो तुम पे जो चीज़ नहीं आएगी वो तो खैर मैं करवाऊँगा ही, ठीक है, लेकिन खुद भी क्या करो ना। देखो M1U1+M2U2 = वैल्यूज डाल दो, ठीक, वैल्यूज डाल दो। M1 कितना है? 200 ग्राम, ठीक है। U1 कितना है? 2+M2 कितना है? 100 * में U2 कितना है? 1 = M1 कितना है? वही 200। V1 कितना है? यहाँ से देखो V1 तो हमें निकालना ही है, सॉरी V1 है ना 1.67 + M2 है 100। V2 निकालना है ना, V2 निकालना है, ओके। चलो अब देखो चेंज करना है ये ग्राम में किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर दो डिवाइड, यहाँ पर भी 1000 से डिवाइड, यहाँ पर अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो, आई बात समझे। अब देखो 20 से 20 ऊपर के कट गए, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा 2 5s and 2 1s, ठीक है, 1 बार ये हो गया इसका काम। अच्छा अब इन 20 से ये 2 0 कट गए, अब तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है। इन 20 से ये 20 कट गए, बोलो सही है, सही है ना। और देखो 2 1s are 2 5s, ठीक है, अभी इसे भी सॉल्व करेंगे बाद में। और इन 20 से ये 20 कट के बाद अभी समझा। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 2/5 + 1/10 बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, 1.67/5 + V2/10 बाद आई सर, इतनी मैथ्स तो आती है ना। चलो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखो एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे,
टेन आ जाएगा इसके एलसीएम। देखो एलसीएम लेने की एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जब भी दोनों में से देखो या तो ये इसके टेबल में आ रहा हो या फिर ये इसके टेबल में आ रहा हो, अगर ये इसके टेबल में आ रहा है या फिर ये इसके टेबल में आ रहा है तो दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है, दोनों में से बड़ा नंबर है टेन। ठीक है, अब देखो इसका इसमें करोगे फाइव टू से टू टू से फोर, अब ये ऐसे कैसे रह जाएगा, अभी कितना बचा 1.675 + 10। ठीक है, अब देखो 5/10 ये हो गया ऐसे करके 1.67, इसे ऐसे ही रहने दो अभी, प्लस V2/10 इसे काटो 1/2 यहाँ पर आ गया है ना, ये 5/2 सा ये 1 सा 1/2, इसे यहाँ पर ले आओ, ये माइनस का आ जाएगा 1.67 5 = V2/10। बोलो ठीक है, अब क्या करोगे 1/2 माइनस का 1.67 ऐसे करके लिख लो, और नीचे क्या करोगे 500 कर लोगे नीचे V2/10। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो, अब देखो हमें ये भी पता है कि दो टू के टेबल में 500 भी आता है, ठीक है, तो एलसीएम ये आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा। देखो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, ठीक है, इसलिए नीचे हमने 10×10 ले लिया है, ठीक है, दो के बारे में तो दो जीरो लगा दी नीचे, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा 250 बार जाएगा, तो 250×1 250 माइनस का ये तो वैसा कैसे, तो ये 1.67 ही रह जाएगा V2/U2 नहीं है, V है, ठीक है, वो ऐसा आदत हो गई है। इसमें से ऐसे घटाओ देखो, 100 में से जो 200 में से 100 गए तो कितने बचे, हाँ यहाँ पर घटा लो 250 - 167 कितना बचा, 10 में से 7 के बचे 3, यहाँ पे कितना बचा 14 में से 6 गए तो 8, 1 में से 83 बचा, ठीक है 83/500। अब इसे यहाँ पर लाओगे तो 10 ऊपर हो जाएगा, बोलो ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो काटो कितना बचा 83/50, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड वाइड नहीं कर रहा यार मैं, डिवाइड कर लेना आप तो, डिवाइड तो कर लोगे, ठीक है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही बहुत है, मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है, तो देख लेना बेटा आराम से, ओके, लाइक करो, शेयर करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि आने वाले बच्चों की भी मदद हो सके, ठीक है, ओके, थैंक यू।